नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे हमारे जो गति के बारे में, यानी कि गति क्या है, जिसको हम कहते हैं मोशन, यानी कि मोशन क्या है। तो देखिए गति क्या है। सबसे पहले गति की परिभाषा हम लिखेंगे। तो गति की परिभाषा क्या है, यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन कर रही है तो इसको हम कहेंगे गति। तो यानी कि वस्तु द्वारा समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन को गति कहते हैं। यानी कि कोई वस्तु यदि जैसे यहाँ पर है ए बिंदु पर और टाइम के साथ बी बिंदु पर पहुँच जाती है, फिर टाइम बढ़ रहा है सी बिंदु पर पहुँच गई, फिर डी बिंदु पर पहुँच गई, तो समय के साथ साथ अगर वस्तु अपनी स्थिति को बदल रही है तो इसको हम कहेंगे गति की अवस्था में। विभिन्न प्रकार की गतियाँ हैं। यदि कोई वस्तु सीधी रेखा में चल रही है तो वो सरल रेखीय गति है। सरल रेखीय गति यदि कोई वस्तु सीधी रेखा में चल रही है। यदि कोई वस्तु गोलाकार पथ में चल रही है तो इसको कहेंगे अपन वृत्तीय गति। यदि कोई वस्तु कंपन कर रही, वाइब्रेट कर रही है तो इसको बोलेंगे अपन कंपन गति। यदि कोई वस्तु आवर्त गति कर रही है, बार बार इस तरह से जैसे घड़ी का पेंडुलम जो होता है बार बार इधर यूं यूं गति करता है, तो इसको सरल आवर्त गति कहते हैं, सरल आवर्त गति। तो इस प्रकार की विभिन्न प्रकार की जो गतियाँ होती है, तो कई सारी गतियाँ होती है। तो वस्तु द्वारा समय के साथ अपनी मूल स्थिति में जो परिवर्तन होता है उसको हम गति कहते हैं। तो गतिमान वस्तु क्या है, जो अपनी मूल स्थिति को बदल रही है समय के साथ साथ, यानी कि समय के साथ साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन कर रही है, तो वो है गति। अब अपन बात करते हैं, दूसरा टॉपिक लेते हैं अपन, विस्थापन किसे कहते हैं। तो देखिए विस्थापन को भी आपको क्लियर कर देता हूं मैं। गति के बाद हम बात करते हैं दूरी किसे कहते हैं। तो दूरी डिस्टेंस क्या है। तो यदि कोई वस्तु समय के साथ या वस्तु द्वारा तय किया गया मार्ग के दो या पथ के दो या रास्ता के दो, वो कहलाती है दूरी कहलाती है। तो वस्तु द्वारा समय के साथ जो रास्ता तय किया गया है वो कहलाता है दूरी। जैसे कि मान ली जाए, और दूरी का मात्रक होता है मीटर, ध्यान रख लेना दूरी का ऐसा ही मात्रक मीटर है। और लंबी दूरियों के लिए, यात्रा वाली जो दूरियों के लिए, लंबी दूरियों के लिए हम किलोमीटर शब्द यूज करते हैं। तो एक किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर, ये याद रखना, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। देखिए कोई वस्तु ए पॉइंट से चल रही है, बी पॉइंट पर पहुँचती है, फिर सी पॉइंट पर पहुँचती है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लीजिए 10 मीटर है, फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लीजिए 20 मीटर है, टोटल जो दूरी है वो 30 मीटर हो गई। यानी कोई वस्तु ए पॉइंट से सी पॉइंट पर पहुँचती है तो वस्तु द्वारा तय की गई जो दूरी है, जो टोटल जो दूरी आ जाएगी वो आएगी 30 मीटर, वो 30 मीटर। अगर मान ले जाए, और विस्थापन क्या है, अगर कोई वस्तु सी पॉइंट पर है तो उसका जो विस्थापन है वो विस्थापन भी क्या आएगा, 30 मीटर ही आएगा। लेकिन यदि वस्तु ए से बी पर पहुंच रही है और सी पर पहुंच गई, सी से वापस बी पर आ जाती है, तो इस समय जो उसके द्वारा तय की गई दूरी होगी, यदि कोई वस्तु बी पॉइंट पर आ जाती है तो इस समय इसके द्वारा तय की गई दूरी 10 तो ये और 20 ये, तो दूरी हो जाएगी 50 मीटर। लेकिन अगर विस्थापन पूछा जाए, बी पॉइंट पर वस्तु आ जाती है, तो इस समय जो विस्थापन होगा वस्तु के प्रारंभिक बिंदु ए से लेके बी तक की जो न्यूनतम दूरी है वो है विस्थापन। तो यहाँ का जो विस्थापन, यहाँ की कम से कम दूरी है 10 मीटर। तो इस तरह से विस्थापन क्या है, वस्तु के प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के मध्य की कम दूरी
विस्थापन कहलाती है। तो विस्थापन को भी हम परिभाषित कर देते हैं। विस्थापन क्या है? देखिए, विस्थापन वस्तु के प्रारंभिक बिंदु से लेकर अंतिम बिंदु के मध्य की कम से कम दूरी विस्थापन कहलाती है। तो विस्थापन क्या है, जिसको डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं इसको। तो डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन क्या है? तो वस्तु के प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु जहां वो है, अंतिम बिंदु के मध्य की न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाती है। यानी कि वस्तु के प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के मध्य की कम से कम दूरी विस्थापन कहलाती है। यदि कोई वस्तु इस तरह से सर्किल फॉर्म में गति कर रही है, ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो यदि कोई वस्तु यहाँ से गति करते हुए यहाँ पहुँच जाती है, तो उसका जो विस्थापन है, ये यहाँ सेंटर है तो ये आर त्रिज्या, तो उसका जो विस्थापन है वो विस्थापन होगा 2R के बराबर, यानी कि त्रिज्या के डबल के बराबर। और दूरी जो है इसकी, जो टोटल जो परिधि है उसकी आधी आ जाएगी, यानी कि दूरी किसके बराबर आ जाएगी, उसकी जो परिधि है 2πR उसके आधी के बराबर, उसमें 2 का भाग दे दीजिए। तो इस तरह से विस्थापन निकाल सकते हैं। यदि कोई वस्तु वापस इस पॉइंट पर जाती है सी पर, तो हमें ये यहाँ से यहाँ तक का जो हमें कर्ण निकालना पड़ेगा, तो ये आ जाएगी उसकी कम से कम दूरी, ये विस्थापन हो जाएगा, यानी कि ये विस्थापन आ जाएगा। और दूरी जो है वो इसकी जो आधी है उसकी आधी और करके अपन निकाल सकते हैं। तो जो दूरी हम आसानी से दूरी और विस्थापन की गणना इस सवाल से कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं चाल क्या है। तो दोस्तों चाल क्या है, तो एकांक समय में या इकाई समय में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी चाल कहलाती है। तो चाल को भी हम देख लेते हैं। चाल क्या है, जिसको हम कहते हैं स्पीड। तो चाल क्या है, वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है। यानी इकाई समय में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी चाल कहलाती है। और चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, और दूरी का मात्रक आपको बता दिया मीटर, और समय का मात्रक होता है सेकंड। तो जो चाल का मात्रक क्या आया, मीटर बटे सेकंड, चाल का मात्रक आया मीटर बटे सेकंड, ये याद रखना है, मीटर बटे सेकंड। अब देखो इसका एक सवाल हम करते हैं। यदि कोई वस्तु पाँच घंटे में मान लीजिए, कोई वस्तु 5 घंटे में 100 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो चाल बताइए। तो इसकी चाल की गणना करनी है। तो देखिए चाल बराबर दूरी बटा समय, तो हमें चाल बराबर दूरी कितनी है इसमें 100 किलोमीटर, और समय कितना है 5 घंटा, तो हम 5 का 100 में भाग देंगे, तो 5 × 2 = 10, 2 बार जाता है और 0 पीछे, यानी कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा से वो वस्तु चल रही है, उसकी ये आ जाती है चाल। यानी कि प्रति घंटे में वो कितनी चल रही है, टोटल 20 किलोमीटर पर हावर, यानी 1 घंटे में 20 किलोमीटर। अब औसत चाल, यदि कोई वस्तु लंबी दूरी तय कर रही है, तो हम औसत चाल कैसे निकालते हैं, तो ये आप लिख लीजिए, इसके बाद हम औसत चाल बताएंगे। तो यदि कोई वस्तु अलग अलग समय अंतराल में अलग अलग दूरी तय कर रही है, जैसे कोई वस्तु जाते समय और आते समय अलग अलग दूरी है, तो औसत चाल किसे कहते हैं, कैसे निकालते हैं औसत चाल। तो औसत चाल निकालने के लिए हमें कुल दूरी, यानी कि कुल दूरी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी में कुल लगने वाला जो समय है उसका हम भाग दे देंगे, तो ये आ जाएगी औसत चाल। जैसे कोई बस जो मान ले जाए 50 किलोमीटर की दूरी दो घंटे में ए से
बी पर पहुंचती है, बी पर पहुंचती है और वापस पुनः पुनः यानी कि जो वापस से जो 50 किलोमीटर की दूरी, 50 किलोमीटर की जो दूरी है अब मान ले जाए 3 घंटे में तय करती है, 3 घंटे में वापस आती है, वापस आती है। तो आप बताइए इसकी जो औसत द्वारा बस की जो औसत चाल कितनी है या उसकी जो औसत स्पीड कितनी है। तो औसत चाल बराबर कुल दूरी, तो कुल दूरी आपकी 50 किलोमीटर जाने की, 50 तो टोटल दूरी हो गई 100 किलोमीटर, और कुल समय कितना लगा जाने में 2 घंटे और आने में 3 घंटे, तो टोटल घंटे कितने हुए 3 + 2 यानी कि 5 घंटे। तो अब आपकी जो औसत चाल आ जाती है 5 का हम इसमें भाग देंगे यानी कि 20 किलोमीटर प्रति हावर, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको हम चाहे तो मीटर प्रति सेकंड भी बदल सकते हैं, किलोमीटर बराबर 1000 होता तो 1000 का हम भाग देंगे, ये 1000 मीटर और 1 घंटे के अंदर 3600 सेकंड होते हैं। तो इस तरह से यानी कि हम इसको कर सकते हैं काट कूट के, 2 से इसको काटेंगे 18 बार जाएगा, 2 से इसको 100 बार यानी कि 100/18 मीटर पर सेकंड ये आ जाती है आपकी। इसको भी और भी हम काट के आप निकाल सकते हो। तो ये आ गई हमारी क्या आई औसत चाल, औसत चाल आ जाती है। तो इस तरह से हमने गति, चाल, औसत चाल और विस्थापन कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक समझे और आपको ये समझ में आ गए होंगे। अब दोस्तों वेग क्या है, तो वेग एक सदिश राशि है, ध्यान रखना। जो चाल है चाल के अंदर कोई दिशा की जानकारी नहीं होती है, जबकि वेग के अंदर दिशा की जानकारी होती है। तो वेग एक सदिश राशि है जबकि चाल एक अदिश राशि है, इसमें दिशा की जानकारी नहीं होती है। तो वेग भी एक प्रकार की, वेग को वेलोसिटी कहते हैं। तो यानी कि निश्चित दिशा में वस्तु की चाल, निश्चित दिशा में वस्तु की चाल वेग कहलाती है, ध्यान रखिए वेग कहलाती है। तो वेग बराबर क्या होता है, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय, ये याद रखना, वेग बराबर विस्थापन बटे समय। विस्थापन का मात्रक है मीटर और समय का मात्रक सेकंड है, तो ये इसका मात्रक भी चाल के समान ही होता है। और औसत वेग अगर हमें निकालना है तो औसत वेग बराबर प्रारंभिक दूरी प्लस अंतिम दूरी बटे 2, यानी कि एवरेज निकाल लेंगे अपन। तो प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग में हम 2 का भाग दे देंगे तो ये औसत वेग आ जाएगा। और ये एक सदिश राशि है, सदिश राशि है ये, क्योंकि इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा की जानकारी होती है दोनों की, इसलिए ये एक प्रकार की सदिश राशि है, वेग एक प्रकार की सदिश राशि है। अब हम गति की कुछ समीकरणें हैं। इससे पहले मैं आपको त्वरण बता देता हूँ कि त्वरण क्या है। तो त्वरण क्या है, एक्सेलरेशन बोलते हैं त्वरण को, तो त्वरण एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन त्वरण क्या है, तो वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर, वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है, त्वरण कहलाती है। ओके, तो त्वरण बराबर क्या होता है, त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय, यानी कि वेग में परिवर्तन और परिवर्तन में लगने वाला समय। तो त्वरण ए बराबर वेग में परिवर्तन कैसे होगा, अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग घटा दो और टाइम टी। तो देखिए वेग का मात्रक मीटर बटे सेकंड है और समय का मात्रक भी सेकंड है, तो इसका जो टोटल मात्रक आ जाता है मीटर बटे सेकंड का स्क्वायर। तो त्वरण का मात्रक क्या है, मीटर बटे सेकंड का स्क्वायर। और ये भी दोस्तों सदिश राशि है, क्या है ये सदिश, क्योंकि इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी जानकारी होती है, तो ये आपका त्वरण भी हो गया। और त्वरण से ही गति की जो पहली समीकरण प्राप्त होती है v बराबर u प्लस at, देखिए v बराबर इसको ये इसका मल्टीप्लाई करेंगे t हो जाएगा, at हो जाएगा और इसको इधर भेजेंगे तो u प्लस में आ जाएगा। तो गति की पहली समीकरण भी आपके त्वरण से निकल के आती है, आप इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब हम गति की तीनों समीकरण आपको बता देते हैं कौन कौन से समीकरण हैं गति की। तो गति की पहली समीकरण आपको बताई दी, गति की समीकरण, तो गति की तीन समीकरण, पहली v बराबर u प्लस at, दूसरी है s बराबर ut प्लस 1/2 at का स्क्वायर, और तीसरी समीकरण है 2as बराबर v का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर। तो गति की तीन समीकरण है, s यहाँ पे दूरी है, तो s यहाँ पे क्या है दूरी, t क्या है यहाँ पे समय है, t समय है, u यहाँ पे प्रारंभिक वेग है, और v यहाँ पे अंतिम वेग है, अंतिम वेग है यहाँ पे v, और एक और क्या बचा a यहाँ पे त्वरण है, तो a बराबर त्वरण। तो देखिए ये गति की तीनों समीकरणों से हम सवाल कर सकते हैं, अगर अंतिम वेग पूछा जाए और u और a और t है हमारे पास तो इससे निकाल सकते हैं अपन, s पूछा जाए दूरी पूछी जाए तो u और t और a से हम निकाल सकते हैं, और अगर हमें टाइम नहीं दिया हुआ है तो दूरी निकालने के लिए हम गति की तीसरे समीकरण का उपयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमारे गति की तीनों समीकरणें हो जाती हैं। अब इन तीनों समीकरणों का आप लिख लीजिए या नोट कर लीजिए। अब एक और आता है, वृत्ताकार पथ में कोई वस्तु गति कर रही है तो उसका क्या फॉर्मूला है। तो वृत्ताकार पथ में अगर कोई वस्तु वृत्ताकार या वृत्ती गति कर रही है तो उसके लिए क्या करेंगे, तो वृत्ती गति में वेग निकालने के लिए 2πr/t, ये याद रखना आपको 2π, अगर इस तरह से कोई वस्तु गति कर रही है और ये r है तो 2πr/t इससे हम भाग दे देंगे तो ये वृत्ताकार पथ में हमारा वेग आ जाएगा, चाल आ जाती है। अब मैं आपको एक सवाल और करा के इसको वीडियो को एंड करते हैं अपन। यदि कोई वस्तु मान लिया जाए, यदि कोई वस्तु प्रारंभिक विराम अवस्था से 5 सेकंड में 20 मीटर/s का वेग प्राप्त कर लेती है, मान ले जाए त्वरण निकालना है, क्या निकालना, त्वरण की गणना कीजिए। तो त्वरण a बराबर v माइनस यू अपॉन टी, ये आपको रखना है। तो a बराबर v, अंतिम वेग कितना है, तो अंतिम वेग है 20 मीटर/s, और प्रारंभ में क्या है, प्रारंभिक वेग 0 आएगा क्योंकि वस्तु क्या है विराम अवस्था में है, तो ये 0 हो जाएगा, और टाइम कितना लग रहा है, 5 सेकंड लग रहा है। तो हमारा सवाल क्या हो जाएगा, a बराबर यानी कि 5 × 20 यानी कि 4 m/s का स्क्वायर, ये आपका क्या आ जाएगा, त्वरण आ जाएगा, और ये प्लस में आ रहा है, इसका मतलब वस्तु क्या है, वस्तु का वेग बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है, वस्तु का वेग। और यदि कोई वस्तु अगर मान ले 20 m/s से चल रही है मान लिया जाए, तो प्रारंभिक वेग ये है और आखिरी एंड में ब्रेक लगाने पर रुक जाती हैं, तब उसका त्वरण माइनस में होगा क्योंकि वो मंदन की अवस्था में, तो उस कंडीशन में क्या होगा, प्रारंभिक वेग आपका 20 m/s, तो अंतिम वेग 0 होगा क्योंकि विराम अवस्था में जाती है, और प्रारंभिक वेग क्या रहेगा, 20 m/s। ये प्रारंभिक वेग मान लीजिए वस्तु प्रारंभ में इस रफ्तार से चल रही है और रुक जाती है उस कंडीशन में, ये दूसरी कंडीशन का सवाल बता रहा हूँ मैं आपको, सेकेंड पोजिशन। और टाइम मान लीजिए 5 सेकंड में रुकती है, तब आपका जो एक्सेलरेशन है वो -4 m/s का स्क्वायर आता है जब ब्रेक लगाता है ड्राइवर तब। तो आई होप आपको ये वीडियो आपको समझ में, इस कंटेंट को समझने में सहायक होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।